हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे मैं आरती आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ तो हम पढ़ते हैं साथ में केमिस्ट्री बीएससी एस सेकेंड ईयर के लिए केमिस्ट्री हमने बीएससी एस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में कल पढ़ी थी ट्रांजिशन सीरीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट वन ट्रांजिशन सीरीज़ में कल हमने टॉपिक पढ़ा था ट्रांजिशन सीरीज़ ट्रांजिशन सीरीज में हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक के कौन कौन सी सीरीज़ में कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं जैसे थ्री डी सीरीज़ में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ आती है फोर डी में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है थ्री फाइव डी में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है और सिक्स डी में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होती है और हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन ट्रांजिशन सीरीज़ में आते हैं जैसे थ्री डी सीरीज के ट्वेंटी स्कैंडियम से थर्टी जेड एन तक ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज थी थर्टी नाइन बाई टू फोर्टी एट सी डी तक जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी उसमें फिफ्टी सेवन एल ए सेवेंटी टू एच एफ से लेकर एटी एच जी तक जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज थी उसमें एटी नाइन ए सी एटी नाइन ए सी जो एक नेचुरल एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट जो है सीरीज के वो मैनमेड और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं U N Q से लेकर वन वन टू वन वन टू यू यू बी तक ये थी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज अब इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है डी ब्लॉक का वो कैसे होता है और उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि उसका जो मेन कॉन्फ़िगरेशन आता है जो फॉर्मूला आता है वो क्या है से पहले हम करेंगे डी ब्लॉक का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम इसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसे थ्री डी सीरीज भी कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कर लेंगे और फिर उसी के बेसिस पे हम पूरे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज निकालेंगे प्रॉपर्टीज जैसे कि जो मेटलिक नेचर होती है फिजिकल स्टेट जो होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए और मैग्नेटिक बिहेवियर ऐसे काफ़ी सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम इसमें डी ब्लॉक सीरीज़ में पढ़ेंगे इसमें जो मेटलिक नेचर होती है मेटलिक नेचर जो होती है वो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं और जो फ़िज़िकल स्टेट होती है फ़िज़िकल स्टेट में जो जेड एन सी डी एच जी जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं लास्ट वाले एलिमेंट जेड एन सी डी एच जी इन तीन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं सॉलिड होते हैं और हाई क्या रखते हैं जब सॉलिड होंगे तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे होंगे सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे हाई लेकिन जो जेड एन और सी डी है जेड एन और सी डी है ये वॉलेटाइल मेटल है जेड एन और सी डी जो है वो वॉलेटाइल मेटल हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो एच जी है इसमें एच जी का जो स्टेट होती है फिजिकल स्टेट होती है एच जी लिक्विड में प्रेजेंट होता है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनसे भी ज्यादा लो रहता है एच का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है और एच जो होता है मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तो हो गई ये बात कि कौन कौन से एलिमेंट कैसा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं जो रेस्ट एलिमेंट है इन तीन को छोड़ के जो डी ब्लॉक के रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ अब हम इसमें देखेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होते हैं इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होते हैं और जो रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं टी ब्लॉक सीरीज के उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो सबसे पहला एलिमेंट है 21SC. 21SC, 21 वन 21 सी 21 वन इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी वन ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या कितना होता है ट्वेंटी टू टी आई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो वन एस टू

इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सबसेल में जाएगा और पेनल्टीमेट शेल। अब ये देखो ट्वेंटी फोर सीआर क्रोमियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के बेसिस पे कैसे होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या करेंगे स्टेबिलिटी के बेसिस पे करेंगे ये जो ऑफ बॉय के बेसिस पे इसका हम कॉन्फिग्रेशन करते हैं ये स्टेबल नहीं होता है तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे स्टेबिलिटी के बेसिस पे 1s2 2s2 यहां तक तो ऐसे ही चलेगा ये 2p6 3s2 3p6 अब यहां देखो इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए सबको पता होता है कि जो डी सबशेल होता है वो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में ज्यादा स्टेबल होता है जो डी सबसेल होता है ये या तो हाफ फील्ड में स्टेबल होता है या फिर फुल फिल्ड स्टेट में स्टेबल होता है तो इसमें क्या इसमें क्या दिया हुआ है इसमें एस में यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहां पे डी में चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए वन टू थ्री फोर तो ये क्या करेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसमें चला जाएगा और इसको स्टेबल बना देगा तो इसमें आगे देखो कैसे होगा थ्री पी सिक्स यहां तक तो ऐसे ही हो गया अब आगे क्या करेंगे फोर एस जब ये यह यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा तो यहां पे कितना हो जाएगा एस के पास एक हो जाएगा तो फोर एस वन और यहां पे कितना हो जाएगा थ्री डी वन टू थ्री फोर फोर तो इसके पास पहले से है और एक यहां से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा फाइव थ्री डी फाइव नेक्स्ट देखो ट्वेंटी फाइव एम एन ट्वेंटी फाइव एम एन का होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी कितना होगा थ्री डी फाइव स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये ट्वेंटी सिक्स वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा एफ ई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन पे क्या होता है सीओ वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी कितने है? यहां पे कितने ट्वेंटी सेवन तो यहां तक तो कितना हो जाता है ट्वेंटी हो जाते हैं और यहां पे ये यह सेवन और ये हो जाएगा सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट पे क्या होता है निकल वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी एट ट्वेंटी नाइन सी यू ट्वेंटी नाइन सी यू अब इसमें ट्वेंटी नाइन सी यू भी सेम ऐसे होगा जैसे हमने ट्वेंटी फोर्थ वाला ट्वेंटी फोर्थ वाले एलिमेंट यानी कि सी आर का किया था वही हम इसका करेंगे तो इसमें कैसे होगा सबसे पहले ऑफ बॉय के बेसिस पे करके दिखाएंगे फिर उसके बाद स्टेबिलिटी के बेसिस पे करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 पी ये किस बेसिस पे होगा ये हो गया ऑफ बॉय के रूल पे अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेसिस पे करेंगे स्टेबिलिटी के बेसिस पे तो ये हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस इसमें कितने थे दो इलेक्ट्रॉन थे तो ये एक इसको दे के क्या कर देता था स्टेबल ऐसे ही ये करेगा इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इसको दे देगा और डी सबसेल को क्या कर देगा स्टेबल कर देगा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां क्या हो जाएगा फोर एस वन और ये नाइन है जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा थ्री डी टेन थ्री डी टेन जो ट्वेंटी फोर सी आर है और ये ट्वेंटी नाइन सी यू है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑफ बॉय बेसिस पे स्टेबल नहीं होता है इसमें स्टेबिलिटी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है यह हो गया स्टेबिलिटी के बेसिस पे तो लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है सीरीज का थर्टी जेड एन इसको नोट कर लो थर्टी जेड एन आगे करेंगे तो ये हो गए 29 Cu तक कर लिया अब इसमें जो लास्ट एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे वो होता है 30 Zn यही होता है अब 30 Zn का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे वो देखो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एस P सिक्स फोर एस टू और थ्री डी टेन ये हो गया लास्ट वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम क्या करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही हम इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पता करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं मेटलिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं तो जो ये होता है पेनल्टी मेड शेल जो पेनल्टी मेड शेल होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड पेनल्टीमेट शेल जो होता है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है मेटेलिक बॉन्ड ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा मेटेलिक बॉन्ड और जो हमारा लास्ट सब शेल होता है जो हमारा लास्ट शेल होता है जो हमारा लास्ट शेल होता है ये रिप्रेजेंट करता है कोवलेंट बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कॉवलेंट बॉन्ड ठीक है आगे एक बात समझ जो लास्ट वाला शेल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉवलेंट बॉन्डिंग और जो पेनल्टी मेड शेल होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेटलिक बॉन्डिंग तो ये तो हो गई कि कौन कौन से शेल कैसी कैसी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं अब एक चीज और देखो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ठीक है तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी जब मेटेलिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों स्ट्रांग होंगी तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होंगे तो जब दो चीज़ें किसी स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं तो उन्हें अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी मान लो ये एक कोई भी चीज़ मान लो हमने दो चीज़ें ले ली दो अलग अलग चीज़ें ले ली हमने उनको ऐसे स्ट्रांग फोर्स से वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से ऐसे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जब हम उनको अलग करेंगे जब हम उनको अलग करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा फोर्स की तो सेम इसी तरीके से है जो मेटेलिक बॉन्ड होता है जो स्ट्रोंग बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है स्ट्रांग बॉन्ड और जबकि कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है वीक बॉन्ड जो मेटेलिक बॉन्ड को हम जब अलग करेंगे इसमें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे जिनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे ये तो हो गई जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वो ज्यादा है हाई और मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं अब देखो 21 sc है 21 sc में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 1 22 ti इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 अरे ऐसे करके देखो डी सब्शेल में इलेक्ट्रॉन भर के देखो वन टू थ्री फोर फाइव इसमें इलेक्ट्रॉन भरो कितने? Four S भी बना लो फोर में कितने दो इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने? इसमें कितना हो गए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टू हो गए थर्ड वाले की देखो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? थ्री इसमें ट्वेंटी फोर सी आर में जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अब हम यहां से नहीं देखेंगे यहां से देखो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है फोर, ठीक है अब यहां पर आ जाओ 25 mn पर 25 mn जो होता है वो स्टेबल होता है 25 mn सबको पता है हाफ फील्ड और फुल फिल्ड जो होते हैं वो स्टेबल ऑर्बिटल सबशेल होते हैं हाफ फिल्ड है ट्वेंटी फाइव एम एन तो हाफ फील्ड पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और जब कोई चीज ज्यादा स्टेबल होती है तो उसको मेल्ट या बॉईल करने के लिए भी हमें ज्यादा हीट या ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा इनकी कंपेरिजन में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा लो होगा किसका ट्वेंटी फाइव एम एन का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहां तक हो गए देखो में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं पहले वाले में बढ़ रहे एक है सेकेंड वाले में टू थर्ड वाले में थ्री फोर्थ वाले में फोर ऐसे दिए हुए हैं, तो इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं नीचे की तरफ बढ़ने पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे हाई होंगे अब बात करते हैं आगे के एलिमेंट्स की अब ये चार एलिमेंट्स देखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे देखो जो ये ट्वेंटी सिक्स एफ ई है जब हम इसके डी सबसेल को डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे फोर एस के लिए ये हो गया फोर एस टू और यहां पे कितना आएगा फोर एस और थ्री डी ये हो गए फोर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हैं फोर में है दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे कितने होंगे टू इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे जो थ्री 3D डी है थ्री 3D डी है उसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और एक इलेक्ट्रॉन बचा और ये हो गया सिक्स तो इसमें हम क्या देखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे वन टू थ्री फोर कितने बचे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फोर तो इसमें कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स सिमिलरली इसमेंट है ट्वेंटी वन सी ओ इसके हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो कितना होगा फोर एस और थ्री डी सेवन के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो इधर देखो फोर एस के लिए वन टू डी में कितने हैं सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ये तो ये दो तो हो गए पेयड इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें काउंट करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब काउंट करोगे तो कितने आएंगे वन टू थ्री कितने हो गए थ्री जब ऐसी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करोगे तो इसमें कि, कि, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें आएंगे टू तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं घट रहे हैं नीचे की तरफ चलने पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो रहे हैं कम हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं जब अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होंगे के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होंगे क्या होंगे डिक्रीज अब जो लास्ट एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट देखो क्या होगा लास्ट एलिमेंट जो है थर्टी जैड एन है लास्ट एलिमेंट में देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का वो करो इसके इलेक्ट्रॉन्स uh, भरो इसमें में जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो इसमें देखेंगे इसमें कितने है? दो इलेक्ट्रॉन्स और डी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो डी सबशेल है हमारा डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसमें बॉन्डिंग के लिए बॉन्डिंग के लिए सिर्फ एस ब्लॉक यानी कि सब शेल यानी कि बॉन्डिंग के लिए सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ये लास्ट वाला जो शेल है ये रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए होगा बॉन्डिंग के लिए इसकी वजह से बॉन्डिंग होगी क्योंकि जो इसका पेनल्टी मेड शेल है जो इसका पेनल्टी मेड शेल है वो कम्प्लीटली फिल है कम्प्लीटली फिल है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से इसमें मेटलिक बॉन्डिंग नहीं होती है इसमें बॉन्डिंग के लिए सिर्फ एक ही वो रिस्पॉन्सिबल है वो है कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है एक वीक बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होगा तो हमें इसे तोड़ने के लिए क्या क्या जरूरत होगी कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी तो जो थर्टी Zn है जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होते हैं इसी वजह से इनको वॉलेटाइल मेटल्स भी बोलते हैं और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है 80 सी डी होता है सॉरी एटी एच जी कौन सा होता है एटी एच जी जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो भी इसी की तरह स्टेबल होता है और उसका साइज जैसे जैसे डी ब्लॉक सीरीज में पीरियोडिक टेबल में आप नीचे की तरफ चलोगे यानी कि आगे बढ़ोगे तो क्या होगा एलिमेंट्स के साइज बढ़ते चले जाएंगे ये देखो ये है थर्टी से डर्टी और ये देखो एटी और इसका साइज भी बहुत बड़ा है तो ये इस वजह से क्या होते हैं ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो आई होप आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया होगा अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम आगे बढ़ेंगे तो अब तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे अपनी जनरल प्रॉपर्टीज के साथ तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगी जनरल प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे जो मेटेलिक नेचर होती है क्या होती है मेटेलिक नेचर अभी मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक नेचर शो करते हैं क्या करते हैं मेटेलिक नेचर क्योंकि वो सारे क्या होते हैं मेटल्स होते हैं तो हम यही बात इसमें लिखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा वो होगी मेटेलिक नेचर मेटेलिक नेचर मेटेलिक नेचर में लिखो ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर ऑल एलिमेंट्स आर एटे मेटेलिक इन नेचर ऑफ डी ब्लॉक या ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटेलिक इन नेचर जो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं मेटेलिक इन नेचर या ऐसे लिख लो ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक डी ब्लॉक ही तो पढ़ रहे हैं हम ये तो क्या होगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटेलिक इन नेचर मेटेलिक इन नेचर तो ये तो हो गई इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मेटेलिक नेचर शो करते हैं ठीक है जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हम क्या लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट क्या लिखेंगे फिजिकल फिजिकल स्टेट स्टेट कैसी होती है अभी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कॉन्फिग्रेशन करा रही थी क्या होती है मेटेलिक सॉरी फिजिकल स्टेट क्या होती है इसकी जो डी ब्लॉक के सीरीज के लास्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं वोलेटाइल मेटल्स होते हैं जेड एन और सी डी कैसा होता है वॉलेटाइल मेटल और CD क्या होते हैं मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और जो एच जी होता है वो कैसा होता है लिक्विड स्टेट में होता है और रेस्ट एलिमेंट्स कैसे होते हैं रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड स्टेट में रेस्ट एलिमेंट्स कैसे होते हैं सॉलिड स्टेट में विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ये लिखो अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट होगा वो होगा हमारा क्या फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट इसमें आगे लिखो इन डी ब्लॉक इसमें लिखोगे आगे इन डी ब्लॉक जेड एन एंड सी डी आर वॉलेटाइल मेटल इन डी ब्लॉक जेड एन एंड सी डी जेड एन कोमा सी डी आर वॉलेटाइल मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वॉलेटाइल मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेडन और सी डी जो हो गए वॉलेटाइल मेटल हो गए विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एच जी है एंड एच जी एज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एच जी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है कैसे प्रेजेंट होता है लिक्विड स्टेट में और रेस्ट एलिमेंट्स जैसे एस हो गया टी हो गया वेनेडियम हो गया या फोर्टी सीरीज का वाई हो गया जेड हो गया एन हो गया ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं सॉलिड स्टेट रेस्ट एलिमेंट्स, रेस्ट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ट आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट कैसी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं सॉलिड और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं हाई होते हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो ये तो हो गई जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई मेटेलिक नेचर सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी मेटेलिक नेचर सेकंड हो गई फिजिकल स्टेट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इसमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग और पॉइंट करेंगे हम कल आज के लिए बस इतना ही तो कल हम क्या इसमें स्टार्ट करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसका ज्यादा होता है और किसका कौन कैसी स्टेट में प्रेजेंट होता है अभी तो हमने ये बता दिया कि जेड एंड सी डी और एच जो होते हैं लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं वॉलटाइल मेटल्स होते हैं रेस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ होते हैं तो अब हम इसमें ये पता करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है इसमें डी ब्लॉक में जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं कौन कौन से एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो आज हमने क्या किया कॉन्फिग्रेशन किया किसका डी ब्लॉक का कॉन्फिग्रेशन किया फिर हमने जनरल प्रॉपर्टीज की मेटलिक नेचर और फिजिकल स्टेट तो कल हम करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा टेलीग्राम टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको आई डी बना के उस पर सर्च करना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया क्या सर्च करना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया और आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं वहां से आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारी क्लास है और आप क्लास में एबसेंट हो तो ये है हमारी इंस्टा आई आप इस इंस्टा आई पर जाके फॉलो कीजिए और आप वहाँ से अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं तो बेटा आज के लिए बस इतना ही कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए तो थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए आप हमें और सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी और ज़्यादा वीडियोस लेके आए आपके साथ इस सिलेबस को कंप्लीट करें तो थैंक यू सो मच